नमस्कार, जस्ट मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ ईशा। जस्ट मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 2 अप्रैल, बार है मंगलवार। शो में बात करेंगे गेहूं के बारे में और बाद में इसके भाव के बारे में आपको बताएंगे। गेहूं में फ्लोर मिलों की खरीद सीमित बनी होने की वजह से मंगलवार को सुबह के सत्र में गेहूं की कीमतें रुक गई हैं। वहीं लॉरेंस रोड पर राजस्थान के उत्तर प्रदेश की गेहूँ के दाम 25 रुपये प्रति क्विंटल स्थिर हुए हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं के दाम 2525 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की मंडियों में नए गेहूं की आवक में बढ़ोतरी हुई है और पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में नए गेहूं की आवक सप्ताह भर बाद बढ़ेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें गेहूँ की खरीद पर 25 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देंगी। चालू रबी विपणन सीजन के लिए गेहूँ का MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। अंतर राजस्थान व मध्य प्रदेश से गेहूँ की खरीद 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। खपत का सीजन होने के चलते गेहूं उत्पादों में मांग बनी रहेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। अब बात करते हैं इनके भाव की। मीर क्वालिटी, दाहोद में बाजार में भाव रहा 2415 से 2420 रुपये, बहराइच में आवक रही 200 बोरियों की। जूनागढ़ में भाव रहे 2250 से 2625 रुपये और आवक रही 3500 बोरियों की। गौडल में 2400 से 3200 रुपये भाव रहे, अराइवल रही यानी कि आवक रही 12000 रुपये की। वहीं श्रीगंगानगर में 2350 से 2411 रुपये के भाव रहे और आवक रही 100 क्विंटल की। दोस्तों, जस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज पर काम करके पूर्व विश्लेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।